बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। संगठन मजबूत हुआ है, कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज झंडोत्तोलन किया 26 जनवरी को लेकर। सबसे पहले बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उसके बाद जब मीडिया ने सवाल किया कि उपेंद्र कुशवाहा आपके पार्टी से नाराज है, अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू के हैं उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति पार्टी को संगठन को मजबूत करने की बात कर रहा था वो ये बात कर रहे उन्हें हिस्सेदारी चाहिए, उन ऐसे व्यक्ति के पार्टी में कोई जमीन नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सबसे पहले उनकी बातों को सुने। पार्टी आजाद होना चाहती है, क्या लगातार वो हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे बिहारवासी और समस्त देशवासी को मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना भारत का लागू हुआ था और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो बताए गए जो रास्ते हैं, बताए गए जो उनका विचार है, उस विचार का हम सभी अनुसरण करें। और जो अभी कुछ फिरकापस ताकत जो है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास हैं जिसको तोड़ना ममोड़ना चाहता है, उससे हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। जो हमारा जो आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका निभाए, जान की बाजी लगाएं, उनके जो सपना था कि देश को मन विकास करें, जो आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है एक अलग पहचान देश और दुनिया में बनाई है और आगे भी भारत के जरूरी है कायाकल्प करने का, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा लोग गुलबंद होंगे और उनके नेतृत्व में लाल किला पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस पर आप जानते ही हैं कि कल तक के जो आदमी लगातार बात कर रहे थे संगठन को मजबूत करने का और आज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको उपेंद्र सिंह से माननीय मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा बनाया, विरोधी दल नेता बनाया, राज्यसभा में भेजा और जब बेरोजगार हो गए, आटा चावल बेच रहे थे, तो फिर लाके उनको जो है उन्होंने फिर विधानसभा में भेजा, विधान परिषद में भेजा और वो बात करते हैं। हमें तो मैंने ताज्जुब लगता है ऐसे लोगों का। और आप जब उनके हम कुछ ट्वीट सुन देख रहे थे, कुछ उनके जो साथी रहने वाले लोग हैं जो कह रहे थे कि सदस्यता अभियान पर, आप जान लीजिए यहाँ रिकॉर्ड है, समझे, यहाँ 50,000 जो सदस्यता फॉर्म ले गए वो भी जमा नहीं किए, तो सदस्यता अभियान क्या? सदस्यता अभियान पार्टी जो है अपने बलबूते पर, पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर 75 लाख सदस्य बने हैं, संगठन मजबूत हुआ है, कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं है। पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है पार्टी में। जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। वो रहते हुए महात्मा फूले समता परिषद बना रहे उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था महात्मा फूले। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर देखे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पार्टी संगठन को नंबर एक ले जाने का बात कर रहा था, नंबर एक पर ले जाने वाली पार्टी को बात कर, आज वो पार्टी में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, कभी बीजेपी के तरफ जाने की बात कर रहे हैं, पार्टी में पवेलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो जहां जाना चाहते हैं जा सके, कोई रोक टोक नहीं है। और ये भी कहें कि उपेंद्र सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, जब वो बेरोजगार थे आटा बेच रहे थे तो नीतीश कुमार ला के उनको पार्टी में सदस्य दिलवाई, बिहार विधानसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, नीतीश कुमार का योगदान था कि उपेंद्र जी को पार्टी में एक बड़ा औड़ा मिला था। लेकिन आज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी तक आपने हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया जरूर कर ले, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।